हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। तो आज का सीन ऐसा है, आज हम जा रहे हैं हमारे एक सब्सक्राइबर से मिलने के लिए, जहां हम कल भी गए थे सिलेंडर देने के लिए ना, तो जब हमको कोरोना हुआ था तब उन्होंने दिया था हमको। तो कल तो वो हमको मिल नहीं पाए, कल घर पे थे नहीं, तो वो कह रहे थे कि आ जाओ मिल लो प्लीज़। तो मैंने कहा हाँ जरूर मिलेंगे यार, तो भी चलते हैं थोड़ी देर में। और आज हम जाएंगे बाइक पे, कल तो हम गाड़ी में गए थे ना। काफ़ी प्यारी सी जगह है, काफ़ी प्यारा सा गाँव है, तो बाइक में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। डेली कुछ ना कुछ नया होना चाहिए ना, इसलिए आज बाइक लेके जाएंगे। तो फिलहाल अभी सेटअप कर रहा था मैं अपना GoPro का, तो मोटो व्लॉग करेंगे। अभी सेटअप करते करते ना मेरा माइक टूट गया, तो माइक मैं एक्स्ट्रा लेके आया था दिल्ली से, तो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा ये लगा लूंगा। अब इन गैजेट्स में ना यही है, कभी भी कुछ भी खराब टूट सकता है, तो इसीलिए एक्स्ट्रा लेके रखना पड़ता है। मेरे पास कोई प्रोफेशनल बिल्कुल हाई क्वालिटी का सेटअप नहीं है, GoPro Hero 7 है, देख लो जुगाड़ लगा के माइक लगा रहा हूँ। और बाइक भी कुछ ज्यादा महंगी नहीं है, मेरे पास कोई सुपर बाइक नहीं है, सिंपल 200cc बाइक है मेरे पास। कल की तरह आज भी मौसम बहुत मस्त हो रहा है, बिल्कुल भी धूप नहीं है, तो मजा आएगा राइड करने में। खाने में है चावल, फेवरेट प्लेट। चल एक काम कर, काट के दे दे यार। खाना है? हाँ खाऊंगा, मैंने बोला मेरे लिए काट दे, और खुद खाने लग गए दोनों के दोनों। तो आज लंच में है चावल और खरबूजा। लंच हो गया है, फिलहाल अब निकलते हैं। पीयूष अभी शूज डाल रहा है, हेलमेट ले लिया आज अपना। जब भी हम लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो मैं पीयूष को कह देता हूँ हेलमेट डाले, बाकी यहीं नॉर्मल अगर जाना हो तो कोई बात नहीं, बट हाईवे पे अगर लॉन्ग राइड पे जाना है तो दोनों हेलमेट डालते ही हम। फिलहाल तो यही हेलमेट यूज कर रहा हूँ मैं आजकल, बिकॉज ये बहुत हल्का है। और हाँ, मैंने अपने नए हेलमेट पे ना अभी इस पे कैमरे का सेटअप नहीं लगाया ना, तो वो अच्छे सेट करना पड़ेगा तब इसको यूज करेंगे। बाय द वे ये भारी है ना बहुत, इसलिए मन नहीं करता यूज करने का। जब ज्यादा दूर जाएंगे ना पहाड़ों वगैरह पे तब यूज करेंगे, अभी तो यहीं जाना है 10-15 किलोमीटर। एक बाइक ये है, एक बाइक ये है, और एक बाइक अंदर है। तो अभी सोनू भी अभी आ गया। अबे एक इसको हेलमेट नहीं मिल रहा अपना, पता नहीं कहाँ रख दिया इसने अपना हेलमेट। उस वाले रूम में देख के आ जा। हाय मम्मी, यहाँ पे ये रहा देख, मम्मी से पूछ लिया अगर पहले, मम्मी को पता होता है भाई। ठीक है मम्मी, आप टेंशन ना लो, हम आराम से जाएंगे, हम आराम से ही जाते हैं हमेशा, फिलहाल चलते हैं। ठीक है मम्मी, बाय ओरी। इस बाइक को ना मैंने अच्छे से टेस्ट कर लिया है, ऑफ रोडिंग कर ली, पहाड़ों पे चला लिया, एक दिन में मैंने अराउंड 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा चला लिया ये बाइक, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती, थकते नहीं है, बस थोड़ा बम में दर्द होता है। तो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ लॉन्ग रूट के लिए, 2.5 लाख में बेस्ट बाइक। और हाँ, माइलेज ये ज़्यादा नहीं देगी, माइलेज आपको देगी ये 25-30 की, इससे ज़्यादा की माइलेज नहीं देगी। साहिल का पेट्रोल डलवा देते हैं। सोनू भैया और नवीन गए मिठाई लेने के लिए, अब घर पे जा रहे हैं तो कुछ लेके जाना चाहिए यार। मेरे लिए तो ये बाइक बेस्ट है, 200cc है, ना ज़्यादा पावर है ना कम पावर है, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड चलती है, 80-90-100 तक भी चली जाती है आराम से, और सही मज़ा आता है। तो मेरे को तो कोई सुपर बाइक की जरूरत भी नहीं है, सिंपल यही बाइक अपनी। तो मैं तो चेंज करने नहीं वाला इस बाइक को, चाहे मेरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएं, ये मेरे लिए लक्की बाइक है और लक्की रहेगी हमेशा। बट साहिल को दिलानी है एक बाइक, साहिल को मैं 390 दिला दूँ मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी ये बाइक चला रहा है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, ये थोड़ी स्पीड नहीं है इसकी। बाकी स्टार्टिंग में मैंने इससे ब्लॉग बनाया है, नॉर्मल सिटी में चलाने के लिए ये बाइक बेस्ट है। तो अभी सिटी से बाहर निकल गया, उसी रोड पर आ गए जिस पर कल आए थे, तो काफ़ी मस्त लग रहा है देखो, ठंडी ठंडी हवा, खेत और हमारी बाइक्स। भाई अंकल ले गए आंटी को बिठा के स्पीड में, 40 पे तो हम ही चल रहे हैं। स्प्लेंडर तो स्प्लेंडर है भाई, अंकल स्लो हो गए अब। ओलू ओली ओलू ओलू। ओरियो की वजह से मेरे को सारे एनिमल्स से बहुत प्यार हो गया है, सेम ओरियो की तरह लगते हैं मेरे को सारे, ओलू ओलू सबको कह रहा हूँ। साहिल तो सही मजे ले रहा है, अकेले अकेले चला रहा है। अंकल जी फिर ले गए भाई, ट्रैक्टर वालों का भी अलग ही स्वैग है, फुल साउंड में गाने लगा के चलते हैं अपना। ओहो भाई, ये ट्रैक्टर वालों का स्वैग ही अलग होता है यार। भैंसों का स्विमिंग पूल भी आ चुका है, यहाँ पे भैंसों का भी अलग ही स्वैग है। हाय गाइस, ओए भाई डर गया मैं, अरे अंदर अंदर ही ले जाऊं क्या अभी रोहित? तो अभी हम पहुंच तो चुके हैं भाई घर पे, भाई मिल भी गए हैं, अभी बैठे हैं यहाँ पे सभी के सभी। पीयूषी कैसा रहा सफर? ये देखो कैसा लग रहा है, ये टोपी टोपी डाल के मास्क डाल के। बाय द वे ये हैं वो भाई रोहित जिन्होंने हमारी हेल्प की, थैंक यू सो मच सबकी तरफ से, पूरी ऑडियंस की तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से भी। तो अभी हम जा रहे हैं भाई की फैक्ट्री देखने के लिए, और भाई की गौशाला भी है तो वो भी देख के आते हैं। हाँ यार, इन सबको कुछ ना कुछ है, इनके पाँव में भी। तो
तो ये वाली गाय जितनी भी है यहाँ पे सारी ठीक है। हाँ यार सारी खुली है, कोई पीछे ना पड़ जाए। जो उधर थी उनको थोड़ी प्रॉब्लम है, बट यहाँ वाली बिल्कुल ठीक है सारी। तो ये अच्छे से टेक केयर करते हैं उनकी। किस चीज की फैक्ट्री है ये? चक्की। बहुत ज्यादा अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं भाई। मतलब सब कुछ यही करते हैं, सारा खर्चा वगैरह सब यही उठाते हैं। मतलब गाय आती कहाँ से यहाँ पे? एक्सीडेंट हो जाए वो यहाँ पे। अच्छा कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए या फिर कोई सीजन आम नहीं उस टाइम पर गांव वाले इकट्ठे कर लेते हैं। आज फिर से ट्रैक्टर चलाते हैं। ये तो नया वाला है, लास्ट टाइम चलाया था मैंने, पुराना से था। इतना सारा खाना रखा हुआ है गाय के लिए देखो, और बाहर भी इतना सारा खाना ही खाना है देखो। तो अभी ट्रैक्टर चलाते हैं, मौसम में ठंडी ठंडी हवा चल रही है। भाई डरा के रख दिया मेरे को, तो भाई चलाएंगे चलो। तो गाइस मजा ही आ गया फुल स्पीड में। किसी भी उसमें मत बैठना झूले में, इसमें बैठ जाओ। हाँ झूले से भी खतरनाक। अभी पीछे खड़े हो गए हैं। सोनू भैया को सब आता है भाई, कुछ भी कर देंगे। ये देखना कर क्या रहे हैं। तो अभी साहिल चला रहा है, तो ही मैं चला रहा हूँ वोल्क्सवैगन। पीयूष और साहिल बैठे मेरे साथ में, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। मतलब पावर सही है इस गाड़ी की। पीछे अपन भी ले, छोटी गाड़ी है, छोटी गाड़ी अपने सिर्फ अपन तीनों के लिए। छोटी गाड़ी में देख जैसे भी है, कहीं भी घुमा लो इसको, है ना, कहीं भी घुमा लो। इनोवा में दिक्कत आती है घुमाने में, बड़ी है ना काफी। तो अभी घूम के हम घर पे आ गए। एंड ये भैया के पापा जी, आपका शुभ नाम? मिस्टर नरेंद्र चहल। बीच में पेड़ भी है नीम का, ये भी अच्छा लग रहा है। इन्होंने घर में ही मॉल बना रखा है, वो दिखाते हैं चलो। वेलकम टू मॉल। यहाँ पे कपड़ों की है, ये छोटे बच्चों के कपड़े हैं। यहाँ पे सारा ग्रोसरी का सामान पड़ा है, देखो पूरा ग्रोसरी का सामान पड़ा है यहाँ पे। मतलब पूरा मॉल बना रखा है घर के अंदर ही। तो अभी हम बिल्कुल ऊपर आ गए, वहां से स्टार्ट होता है, वहां पे पार्किंग है, यहाँ पे खत्म। गाँव भी छोटा सा ही है, बिल्कुल छोटा सा गाँव है, देखो यहाँ से पूरा ही दिख जाता है गाँव। अकेले अकेले खाए जा रहे हैं, मेरे पूछ भी नहीं रहे। जैसे कि मैंने आपको दिखाया घर में पूरा मॉल खोल रखा है, सब कुछ मिलता है, जूते चप्पल खाना पीना। और पूरे गांव में सिर्फ एक ही है, तो पूरा गांव या फिर आसपास के जो भी गांव है ना, किसी को बाहर नहीं जाना पड़ता, सारे इन्हीं घर से आके ले लेते हैं। तो अभी 6:30 बज चुके हैं, ठीक है भाई चलते हैं फिर अब। बाकी बहुत मज़ा आया ट्रैक्टर में भी, आपकी फैक्ट्री में भी, गौशाला में भी, घर में भी, सब जगह। कोई बात नहीं, गाँव की मिट्टी अच्छी होती है। ठीक है भाई, ठीक है बच्चों, बाय, थैंक यू। तो गाइज अभी हम निकल चुके हैं, मजा आया काफी ज्यादा। ओली ओली ओलू। तो अभी 7 बज चुके, ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है, सनसेट भी हो चुका है। हम ना ऐसे ही अपने आसपास के गांवों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारे आसपास गांव ही गांव है पूरे हरियाणा के, और आसपास कोई होता भी नहीं है, भीड़ भी नहीं होती, तो कोई डर भी नहीं रहता। ओलू सादा आगे हैं, ओली सादा आगे हैं। फाइनली घर पे पहुंच चुके हैं और टाइम हो गया है, पूरे 8 बज चुके हैं। ओली खाना खाएगी निशा, चल निशा। हां तेरे को मैंने कल क्या कहा है बेटा, कहना मान कर रखे ना? मान तो रहा हूं कहना, इसको मत करना, इसके बाल उड़ते हैं जब सब उड़ के आ रहे हैं इसमें। पापा जी पापा डांटना, एक बार डांटना हो रही है, डांटना डांटना, डांटो अच्छे से, डांटो डांटो देखो एक बार अच्छे से डांटो डांटो। अच्छा मेरे को तो डांटते थे ऐसे, हमको तो बहुत तेज डांटते थे। कहना मानता है वो, उल्टा जवाब नहीं देता है। डांटो मेरे को अच्छे, डांटो सही कह रहे हैं, एक जवाब नहीं देने वाला वही तो है। और ही डांटो और ही को डांटो। मम्मी देखो पापा जी खुद लग रहे हैं उस पर, देखो मम्मी जी देखो पापा जी खुद लग रहे हैं। कहना मान रहा मेरा, देख कुछ कहना नहीं मानता बैठ के। हाँ वो बिछा लो बेटा, लाल वाला होगा देख, मिठाई वाले देख इधर लाल वाला। सुनो सही, येलो साड़ी अच्छी लग रही है। क्या बनाया मम्मी? तो खाने में है दाल, मिक्स सब्जी और ये मक्का और रोटी। काफी प्यारा खाना लग रहा है हमारा डिनर आज। चुपचाप बैठा रहा, यहाँ बता रहा हूँ तेरे को मैं, चुपचाप बैठा रहा। अगर तू खड़ा हुआ तो दोबारा बैठना पड़ेगा। तो अभी रात के 12 बज चुके हैं, एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। फिलहाल मैं इसको एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते गए जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये मास्क ना यहाँ रहना चाहिए, बता रहा हूँ तेरे को मैं, नाक से नीचे नहीं रहना चाहिए तेरा मास्क हमेशा। ना मम्मी इसका मास्क हमेशा नाक से नीचे रहता है।
मेरा होता ही नहीं है।